इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्र 11, 12, 13, 14, 15 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, इससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्र 11, दिए गए शब्द समूह से अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाएं। जैसे दिन, वार, दिवस तीनों एक ही, रात अलग है। आग, अनल और अग्नि ये तीनों आग के पर्यायवाची है। मशाल अलग है। दोस्त, बंधु और साथी एक ही, दुश्मन अलग है। नेत्र, नयन, आँख एक ही है, पलक अलग है। पवन, वायु, हवा एक ही और तूफान अलग है। दूसरा प्रश्न, दिए गए शब्दों के तीन तीन अर्थ लिखें। ग्रह का घर, आलय, निवास, यानी ये पर्यायवाची है ग्रह के। धरा का पर्यायवाची भू, भूमि, धरती। खग का पक्षी, पखेरु, नक्षत्र। बादल का पर्यायवाची मेघ, जल, दर्प, योद। पानी का होगा जल, नीर, बारी। तीसरा है, दिए गए शब्द युग्म की सहायता से वाक्य पूरा करें। पीछे पीछे, सुबह सुबह, तरह तरह, सुनते सुनते, ऊंची ऊंची। बगीचे में तरह तरह के फूल खिले थे। शहर में ऊंची ऊंची इमारतें हैं। बछड़ा गाय के पीछे पीछे चलने लगा। तुम्हारी कक्षा सुबह सुबह लगेगी। नेहा लोरी सुनते सुनते सो गई। सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरे और वाक्य पूरा करें। सूरज की तो यहाँ की किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी थे। देश के वीर अपने देश की आन बान शान के लिए बलिदान दे देते हैं। गंगा यमुना भारत की पवित्र नदियां हैं। ये था कार्यपत्रक 11। कार्यपत्रक 12, दी गई वर्ग पहेली में से शब्द छांट कर लिखें। जैसे यहाँ पर है ज्ञान, पहले गोला लगा हुआ है, उसी प्रकार हमने शब्द छांटे। यहाँ चित्र, मुख्य, मुद्रक, मंत्री, इंग्लैंड, मूर्ख, कक्ष, यज्ञ और प्रजा, और जहाँ जहाँ ये शब्द मिले उनके गोले लगा दिए हैं। दूसरा है, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखें। प्रसिद्ध का होगा प्रसिद्ध, समस्या में आधा से आएगा समस्या, प्रभावित में प्रेस आएगा प्रभावित, ईर्षण में कृष्ण आएगा, सत्तु का सत्तु होगा, दिक्कत का आधा खे, बुद्धू का आधा दे बुद्धू, मंत्री के ऊपर ये से आएगा मंत्री, जिज्ञासा। दिए गए शब्दों में टी का प्रयोग कर शुद्ध लिखे। टी का प्रयोग करेंगे हम, कपा का कृपा, वक्ष का वृक्ष, पृष्ठ का पृष्ठ, गृह का गृह, मक का मृग, कपाण का कृपाण, गणा का गृणा, अमृत का अमृत, प्रगु का प्रगु, खसी का कृषि, दृढ़ का दृढ़, कृतज्ञ का कृतज्ञ। चौथा है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखे। मुख्यालय यानी प्रधान कार्यालय, परीक्षा यानी इम्तिहान, ग्रामीण यानी गांव का, दुर्गम यानी जहाँ जाना कठिन हो, गंतव्य यानी जाने योग्य, अदृश्य जो दिखाई न दे, विस्तृत विस्तार वाला, महत्वपूर्ण आवश्यक, पर्यटक यात्री। रेप और रखार लगाकर शब्दों को शुद्ध करके लिखें। गहन, ग्रहण, सत, सर्थ, वक, वक्र, सूर्य, सूर्य, गमी, गर्मी, पथ का होगा वृत्त, प्रतीक्षा का प्रतीक्षा, ड्रामा का ड्रामा, प्रयास का प्रयास। ये था कार्यपत्रक 12। कार्यपत्रक 13, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर पूरा करें। मुझे उसकी बहादुरी पर गर्व है। नम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। दोनों भाई पढ़ने लिखने में मेहनती हैं। ईमानदारी जीवन में दृढ़ता लाती है। यह काम मैं सहजता से कर लूंगी। बादलों की गर्जन सुनकर मोर नाचने लगा। प्रश्न नंबर 2, संज्ञा का संदर्भ समझकर वाक्य में प्रयोग करें। कमल तालाब में उगता है। गंगा नदी हिमालय से निकलती है। अंगूर में मिठास होती है। कुतुब तो मीनार दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत है। दी गई व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाइए।
व्यक्तिवाचक संज्ञा है गंगा, गंगा गंगोत्री से निकलती है। फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। जापान, जापान के लोग भारत घूमने आए हैं, जातिवाचक संज्ञा के होंगे। शहर, इंदौर साफ सुथरा शहर है। बगीचा, मेरे घर के सामने बगीचा है। लड़के, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। भाववाचक संज्ञा खुशी, मैं खुशी के मारे फूला न समाया। सर्दी, आज बहुत सर्दी पड़ रही है। बचपन, मेरा बचपन गांव में बीता है। यथा कार्यपत्रक 13, कार्यपत्रक 14, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखें। परिधि पढ़ती कविता है तो परिधि कविता पढ़ती है। रानी जाती से बस बाड़मेर है तो रानी बस से बाड़मेर जाती है। रेलगाड़ी सुहाना का सफ़र होता है, रेलगाड़ी का सफ़र सुहाना होता है। मैं बहुत आज अनाज गड़साना है होता तो गड़साना में बहुत अनाज होता है। अंशी जून को 29 जन्म दिवस मनाती, अंशी 29 जून को जन्म दिवस मनाती है। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों की स्थिति समझकर उसके बाद होने वाली संभावित घटना से मिलान करें। पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है तो वह स्वस्थ रहती है। ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है, वह अनुत्तीर्ण हो जाएगा। ममता अपनी बच्ची को घर पर भी पढ़ाती है, वह पढ़ने में होशियार है। राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करता है, जनता तख्ता पलट करेगी। चैत्र महीना चल रहा है तो बैसाख महीना आने वाला है। अनूप के पैर में चोट लग गई, अस्पताल जाना जरूरी है। तीसरा है, दिए गए वाक्यों को पढ़कर क्रमबद्ध लिखें। वह अध्यापकों का सम्मान करता है। मदन सुबह जल्दी उठता है, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है। वह प्रातः 7 बजे नहाता है, इसलिए अध्यापक भी उसे बहुत प्रेम करते हैं। वह मन लगा कर पढ़ता है। मदन सुबह जल्दी उठता है, वह प्रातः 7 बजे नहाता है। नहाने के बाद वह खाना खाकर विद्यालय जाता है। वह मन लगा कर पढ़ता है। वह अध्यापकों का सम्मान करता है, इसलिए अध्यापक भी उससे बहुत प्रेम करते हैं। इस प्रकार इसको हमने शुद्ध लिखा। अगला है, आप सुबह 8 बजे से 10 बजे क्या क्या करते हो लिखे। मैं सबसे पहले उठकर पानी पीता हूँ, फिर सो जाकर मंजन करके नहाता हूँ, पूजा करता हूँ, दूध पीता हूँ, बैग में अपनी पुस्तक रखकर विद्यालय जाता हूँ। यथा कार्यपत्रक 14, कार्यपत्रक 15, सांबा नगर में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था, उसका नाम श्याम सुंदर था। उसी नगर में एक शरारती बंदर रहता था, वह नगर के लोगों को तंग करता था। कभी उनका कोई सामान ले जाता तो कभी बर्तन, खाना, कपड़े आदि, सभी लोग उससे परेशान हो गए। एक दिन श्याम सुंदर ने बंदर को लालच देखकर पकड़ लिया, उसे जंगल में छोड़ आया। उसके बाद सभी आराम से रहने लगे। ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नगर में एक बंदर रहता था, नगर था सांबा। सभी बंदर से परेशान थे। दूसरा है, नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। सामने की बेल में अंगूर लगते हैं तो अंगूर लगे हैं। धरती तवे की तरह तप रही है। सभी डिब्बों पर एक जैसा निशान है। लोमड़ी चतुर जानवर हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का नाम था श्याम सुंदर। श्याम सुंदर ने बंदर को कैसे पकड़ा, लालच देखकर। सभी आराम से कब रहने लगे जब बंदर को जंगल में छोड़ दिया। यह था कार्यपत्रक 11 से लेकर 15 तक। और भी कार्यपत्रक के हल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ हमने सभी कार्यपत्रक के हल करके एक साथ डाल रखे हैं, वहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। धन्यवाद।